ये बोल रहा है, ये सबसे अबू बोल रहा है सबका। अबू कह रहा रोटी खा लो रोटी खा लो। हाँ जी हाँ जी, आ रहे हो वीडियो में आ रहे हो। चुप हो गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून ठीक रहेगा, क्योंकि मैं लेट उठा हूँ और आज छुट्टी है, ऑफ है। तो ज़ाहिर 2 दिन ऑफ था, मैं दोनों दिन लेट ही उठा हूँ और काम शाम भी नहीं था कोई। कल तो मैंने कोई व्लॉग श्लॉग नहीं बनाया, आज बना रहा हूँ। और आज मैं आपको सिंपल सा व्लॉग है, बस मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कुछ बर्ड्स रखे हैं और उन्होंने हैचिंग की है, तो हैचिंग तो कर चुके हैं जो काफ़ी, मतलब एक बर्ड तो कर चुका था, उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी दिखाता हूँ कि बड़े होके किस तरह लग रहे हैं। और जब छोटे थे तो मेरे पास क्लिप्स पड़े हैं, वो भी मैं अटैच करूँगा। और चलें मैं दिखाता हूँ फिर आपको बर्ड्स वगैरह अपने सारे। तो जी, पहला ये है बर्ड मेरा मिट्ठू, जो है हमेशा गुस्से में रहता है। और ये एक, ये मतलब पेर शेर नहीं है, ये एक ही है। और ये शायद पता नहीं मेल है फीमेल है, बातें थोड़ी थोड़ी करता है मिट्ठू, मगर ये काटता है। मेरे साथ ये टेम नहीं है बिल्कुल भी, वैसे नॉर्मल जो ग्रीन पैरट घर में होते हैं वही है ये। तो शुरू से आप सुन भी रहे होंगे बर्ड्स की आवाज़, अभी दिखाता भी हूँ कौन से बर्ड्स हैं ये। तो मिट्ठू को थोड़ा सा ये हाल है मिट्ठू का, बस ये कि मिट्ठू बदमाशी बहुत करता है और बात नहीं। दूसरा बर्ड जो है वो मैंने ताला खोल लिया, ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, है भी बड़ा खूबसूरत। तो ये है, ये काफ़ी लोगों को पता है ये क्या है, मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को, ये चकोर है लोकल। तो ये ज़्यादा मैं आगे से नहीं वीडियो बनाता क्योंकि उछलेंगे और शायद भाग भी जाएँ, दरवाज़ा इसके, ये पिंजरे का काफ़ी बड़ा है। तो ये लोकल चकोर है, शायद ये बलूची चकोर है। तो ये पाकिस्तान में है तो बहुत ज़्यादा, मगर ये कि जिस तरह लोग इनको हंटिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि इसकी भी नस्ल कम हो रही है। जैसे कि मेरी वालदा का ताल्लुक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है, तो उधर भी ये बर्ड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मगर वहाँ पे एक होता है राम चकोर और एक और, ये थोड़ा करीब से दिखाता हूँ आपको। और इनका जो सबसे मतलब अच्छी चीज़ है वो भी आपको दिखाता हूँ, जिस जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है इनके बारे में, जो इस वीडियो का थंबनेल भी होगा इंशाल्लाह। तो मैं बता रहा था राम चकोर के बारे में, राम चकोर इज़ बेसिकली चकोर की सबसे बेस्ट और बड़ी फॉर्म है वो। एक मिनट, ये ताला लगा लूँ, लग नहीं रहा मुझसे, ये लग गया। तो सबसे बड़ी फॉर्म है और उसका ये सीन है कि ये ठीक ठाक बड़ा पिंजरा है इनका, ये लोग अपनी फीड भी खाते हैं, घास भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और ये पत्ते वगैरह भी। तो और ये बड़ा अच्छा ब्रीडर पेर है मेरे पास, तो ये इनकी फीड वगैरह पड़ी है जो ये भी खाते हैं। ये मिक्स होता है, ये हम लेकर आते हैं, पता नहीं इसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स होती हैं, मैं अगर दिखा सकूँ आपको तो। और इनकी कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, ये भी फीड पड़ी है, ये सिर्फ इनकी नहीं और जो बर्ड्स हैं उनकी भी है, ये भी हैं, ये भी फीड है और ये दवाई शवाई भी इनकी पड़ी है, इसमें भी शायद कुछ पड़ा हुआ है। नेक्स्ट बर्ड है ये कॉकटेल। कॉकटेल के ये है कि मैं आपको पहला शॉट दिखा दूंगा जिसमें कॉकटेल ने बच्चे शच्चे, ये थोड़े फ्रेंडली भी हैं और अच्छे भी हैं। ये फीमेल है, सबसे पहले हमारे पास यही आई थी और ये मतलब अच्छी तरह टेम थी, घर में भी फिरती थी। और ये वाला जो है ये या वो जो पीछे ग्रे, अब ये असल में इन्होंने बच्चे दे दिए हैं और वो बड़े हो गए हैं। ये जो दो ग्रे बच्चे हैं, एक ये और एक ये, और ये वाला, ये बच्चे थे, इनकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कितने छोटे थे, माशाल्लाह महीने के अंदर अंदर इतने बड़े भी हो गए हैं। और वो पीछे जो सर निकाल के, ये जो है ना इसके पीछे वाला उनका अब्बा है, इनका अब्बा है, ये इनकी अम्मा है। तो ये भी यही खाते हैं, ये थोड़ी सफाई से वो भी होने वाली है इसकी। तो ये फीड उनकी, इनकी भी पड़ी है जो मैंने आपको दिखाई है, और बाकी पानी शानी ठीक है। तो ये बच्चे, अब इनका पिंजरा मैं इसलिए नहीं खोल रहा ना क्योंकि ये थोड़े से शरारती हैं और ये निकल जाएंगे, और ये
निकलने की कोशिश करते हैं। पानी शानी भी नहीं पी रहा, इसमें लगता है मुझे प्यास श्यास लगी हुई है। और ये इनका साथ हमने लिया था, अटैच किया था, ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, एक मिनट बड़ी चाबी रख लूँ, इससे थोड़ा सा ना मसला हो रहा है। ये इसमें ये सारे बच्चे रहे हैं, इधर से इस ये जो बना हुआ ना सर्कल सा, इससे निकल के आके इधर बैठते थे, और इसी डब्बे में सारे बच्चे बड़े हुए हैं। तो वो वीडियोज़ भी मेरे पास पड़ी हैं, वो मैं अटैच करूँगा और आप देख सकते हैं आगे क्लिप्स में। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे और हेल्दी बच्चे हैं, कलर थोड़ा सा डार्क है इनका, तो फिर भी माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है, कितने कलर्स हैं कि जानवर परिंदे में। और वो देखे हूँ बिल्कुल वाइट है फीमेल जो है, येलो और वाइट तो इसमें मोस्टली होता ही है, मगर ये ग्रे जो होता है ये फिर इससे मतलब इसमें फिर ये होता है कि पेरेंट्स में किसी का एक कलर डिफरेंट हो तो फिर बच्चों में आ जाता है। वैसे इसमें फुल मैंने ग्रे टाइप भी देखे हैं, वो भी खूबसूरत है, और ये उसी तरह का थोड़ा ब्लैक ग्रे बन रहा है, ये काफ़ी खूबसूरत होगा अगर थोड़ा और बड़ा हुआ तो। जी ये बर्ड्स हैं, अब ये मुझे नहीं पता ये कौन से बर्ड्स हैं, इन्होंने पता नहीं अंडे दिए हैं कि नहीं दिए। ये वाला बर्ड है, तो ये भी मेरा बर्ड है, और बड़े क्यूट बर्ड्स हैं ये भी। तो ये सिर्फ एक नहीं है, दो हैं पेयर है ये भी। ये इसका, इनमें मुझे नहीं पता मेल फीमेल कौन सा है, और ना ही इसकी मुझे ब्रीड का पता है। तो ये मिल रहे थे तो बस हम ले आए हैं, और है ये भी बड़े खूबसूरत हैं, छोटे से हैं, शरीफ से ही हैं, और इनका भी थोड़ा सा ना साफ़ सफाई वगैरह होने वाली है। तो काम वाला लड़का थोड़ा सा बिजी है आजकल, तो शायद इस वजह से देख नहीं पा रहा। अब इसका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसको भी पता है ब्रीड कौन सी है। बाकी ये मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने अंडे शंडे दिए हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो अभी कोई अंडे शंडे नहीं दिए इन्होंने, मगर बैठे रहते हैं अपने कमरे में ये इसमें ना, तो ये इनके लिए सबसे बेस्ट यही होता है कमरा वगैरह जो भी होता है। अब ये हैं जी जो मेन चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, चकोर के अंडे भाई, ये अंडे हैं चकोर के। और इसमें से ये है कि एक तो ये देखें, ये बल्ब लगा हुआ है, पानी है, और ये वो आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये पंखा सा लगा हुआ है। अब ये चकोर के बच्चे अंडे दिखाता हूँ मैं आपको, इसको चेक करने का एक तरीका होता है ना, तो खैर मुझे तो नहीं आता, असद को आता है वो तरीका। खैर इतना इसका अंडा होता है, और ये हमने रखे हुए हैं। तो और जो मेन चीज़, जो मेन अट्रैक्शन है इस वीडियो की, वो ये है, ये मैं आपको अभी प्रॉपरली, अभी मैं एक बच्चा निकालता हूँ बाहर, बल्कि इस तरह दिखाता हूँ आपको, तो ये बच्चा है जी चकोर का चिक, और काफ़ी माशाल्लाह हेल्दी है। मेन मकसद भी इस वीडियो का यही था बनाने का, जो मैंने दिखाने थे आपको। तो इसी तरह के बाकी बच्चे भी हैं, ये तीन दिए हैं, काफ़ी इनमें से अंडे ख़राब हो जाते हैं, काफ़ी निकल जाते हैं। अब मुझे भी सीखने में बड़ा टाइम लगा है। अब जैसे ये जो सामने टैंक टाइप पड़ा हुआ है, पानी इनको इस चीज़ में देना होता है, ये बार बार साफ़ करना होता है, खाने में इनको इनकी स्पेशल फीड है जो पड़ी है, उसके बाद इनको दवाई देनी पड़ती है। तो क्योंकि मेरे से काफ़ी दफ़ा पहले बच्चे मर गए और मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरा ब्रीडर जो पेयर है वो बहुत अच्छा है, वो बार बार मतलब काफ़ी दफ़ा अंडे इसी सीज़न में माशाल्लाह उसने बहुत ज़्यादा, मैंने गिने नहीं होंगे मगर मेरे हिसाब से 100 के करीब तो अंडे होंगे तो उसने दिए हैं, या मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनको ज़्यादा पता होगा। तो ये जी पेयर, तो इनको ना रखने का स्पेशल तरीका है, इसमें हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहाल रहे, और ये पार्टीशन इसलिए बनाई है क्योंकि जो पहले वाले बच्चे थे उन्होंने क्या किया था कि ये जो पानी नहीं है, ये हमारे पास छोटा नीचे बर्तन टाइप था, उसमें छलांगे मार के कुछ मर गए, कुछ पंखे में आके मर गए। अब ये नहीं होता कि ये जो जितने अंडे पड़े हैं सबके ही बच्चे निकलेंगे, किसी किसी में से निकल आते हैं, किसी में से नहीं निकलते, और निकल के मर जाते हैं, पूरा प्रॉपर बच्चा बना होता है वो मर जाता है, कुछ बच जाते हैं, 3-4 दिन रहते हैं मर जाते हैं, इस तरह के। तो इसलिए हमने ना इनकी पार्टीशन की है। अब इनको 18-20 दिन तकरीबन इस उसमें मैंने जहाँ तक इन्फॉर्मेशन इनकी देखी हुई है रखने पड़ते हैं, थोड़े सेट हो जाएं, इनको कैल्शियम वगैरह भी देनी होती है, उसके बाद ये होता है कि भाई इनको, अब मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी देर से मैंने खुला छोड़ा, टेम्परेचर ना देखें ड्रॉप कर गया है वो थोड़ा सा,
फिर अगला हमने शायद इसके अंदर, इसमें बल्ब शलब लगा रहा है, सब सारा कुछ कर रहा है, तो शायद इसके अंदर रखना पड़ेगा इनको जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। अच्छा, जो आज मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, उसमें ये है कि सारी वीडियो तो मैं आज अपलोड नहीं करूँगा, उसके दो पार्ट्स बनाऊँगा। आज वाला जो मैंने शूट किया सारा दिन, वो मैं आज ही आपको शो करूँगा, मगर उसका कुछ हिस्सा जो होगा अगली वीडियो में होगा। उसी वीडियो में जो कॉकटेल ने पहले बच्चे दिए, अंडे दिए थे सॉरी, उसके बाद उसने बच्चे दिए थे, तो वो भी पार्ट इंक्लूड होगा। और जो चकोर के इंक्यूबेटर में पहला हैच जो हुआ था, वो भी उसी के अंदर इंक्लूड होगा। तो बाकी ये कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। और मैं ये जो आज वाली वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा, आप देख लेंगे। दूसरी वाली जो कि वो इंशाल्लाह कल कर दूंगा अपलोड। मैं थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।